Hey guys, this is Sarfe and welcome to our YouTube channel. तो फिलहाल अभी आपके सामने एक बेहद प्यारा सा क्वेश्चन स्क्रीन पे है जो कि क्लास 10th के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप शायद बचपन से इस बात से वाकिफ हो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम का जब क्वेश्चन हो तो उसका इक्वेशन सेट करना बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर आप इक्वेशन सेट करना समझ गए तो फिर आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करना बिल्कुल ईजिली होगा। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका कैसे मैं इक्वेशन फॉर्म करने वाला हूं। ये सारी बातें आप तभी जान पाओगे जब वीडियो को एंड तक देखोगे, तो बस हमारे साथ बने रहिएगा। कहने का सेंस यह है कि वीडियो को एंड तक देखिए, तब समझिए कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके फाइनल बोर्ड में पूछे जाते हो तो आप कैसे बनाओगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। A car starts from A and another car starts from B simultaneously. If they travel in the same direction, they meet in 7 hours. But if they travel towards each other, they meet in 1 hour. Find the speed of the two cars. बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं बताना चाहूंगा, एक हाईवे है, हाईवे पर दो पॉइंट्स है, एक A और एक B, और उस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कह रहा है 70 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन में हमें जो मेंशन कर रहा है, क्या कह रहा है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में अगर जा रहा हो, एक ही डायरेक्शन, मान लो कि ए भी इधर से जा रहा है तो बी भी इधर से ही जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आफ्टर 7 आवर्स वो दोनों मीट कर जाता है। फिर उसके बाद कह रहा है अगर वो दोनों एक दूसरे के साइड में आता हो, मतलब ए इधर आ रहा है बी इधर आ रहा है, मतलब ए बी की तरफ बी ए की तरफ, तो उस केस में 1 आवर के बाद दोनों मिट कर जाता है। तो पता लगाना है कि दोनों का स्पीड क्या है। जरा गौर फरमाइएगा, मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, क्लियर है, और एक पॉइंट बी है, क्लियर है, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो मेरे को क्वेश्चन में कह रहा है वो कितना है 70 किलोमीटर। क्लियर बात है, कितना है 70 किलोमीटर है। ये ए और बी हाईवे पर है, जो दो के बीच का डिस्टेंस कितना है 70 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक कार ए जो है यहां से चलना स्टार्ट करता है और कार बी जो है यहां से चलना स्टार्ट करता है, मतलब दो कार है, जो ए पर है एक कार बी पे है, तो यहां से चलना स्टार्ट करता है, बी से चलना स्टार्ट करता है। कह रहा है क्या, ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी साइमल्टेनियसली इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। मतलब ए पर जो यहां पे कार है और बी पर जो यहां पे कार है वो दोनों सेम डायरेक्शन जा रहा है, मतलब यह कि ए के पास जो कार है वो इधर है तो बी भी जो है क्या इधर ही जा रहा है। बातें समझ में आ रही है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो क्या कह रहा है कि दे मीट इन 7 आवर्स। कितने घंटा में दोनों मीट कर जाता है 7 आवर्स में। तो उससे पहले आपको बताना क्या है कि स्पीड ऑफ द टू कार्स। तो मान लो लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी एक्स किलोमीटर पर आवर, लेट द स्पीड ऑफ कार मान लो बी वाई किलोमीटर पर आवर। अब जरा गौर फरमाइएगा, ये एक्स किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है और ये वाई किलोमीटर पर आवर के स्पीड जा रहा है, मतलब यह कि ए पर जो कार है वो एक्स के स्पीड से, मतलब एक घंटा में एक्स किलोमीटर, और बी पर जो कार है वो इन 1 आवर में वाई किलोमीटर। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दोनों चलता है कितना घंटा 7 आवर चलता है। तो आप जब सोचिए, जब एक घंटा में एक्स किलोमीटर तो 7 घंटा में कितना जाएगा 7x। अगर मान लो कि एक कार जो है 1 आवर में 7 किलोमीटर जाता है, 1 आवर में x किलोमीटर जाता है, तो 7 आवर्स में कितना जाएगा 7 into x। तो मान लो कि कार ए जो है ये चलते 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 मान लो यहां आ गया, तो ए कितना ट्रेवल किया 7x किलोमीटर। उम्मीद दिख रहा होगा, ठीक है, 7x क्या है डिस्टेंस है, और कार बी पर तो यहां पे स्पीड y है, मतलब एक घंटे में y किलोमीटर, तो 7 आवर्स में क्या हुआ 7y, और यूं इस चलते 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 यहां पर मिल जाता है। बट 7x जो ट्रेवल किया है वो कौन, ए ने ट्रेवल किया है यहां से लेकर यहां तक, और 7y कौन है यहां से लेकर यहां तक, लेकिन दोनों को ट्रेवल कितना करना है 70 ही ना, मतलब 70 क्या है यहां से लेकर इतना, तो इतना दूरी अगर हमको ट्रेवल करना है तो जरा सोचिए, इतना फाइंड करने के लिए इस पूरे में से इतना को अगर हम माइनस करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा,
चलना तो 70 किलोमीटर ही है, बट ए ने चला 7x, बी ने चला 7y। तो जरा सोचिए, ए ने यहां से चलाना 7x तक, यहां तक, यहां से यहां तक, और बी ने यहां से यहां तक, लेकिन चलना तो आपको 70। तो इतना दूरी लाने के लिए इस पूरे में से इतना को माइनस करना होगा। मतलब क्या कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपका होगा क्या, 7x माइनस 7y डेट इक्वल टू 70। 7x माइनस 7y डेट इक्वल टू 70। तो आप इसमें 7 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, x माइनस y इक्वल 7/70। इक्वेशन 1 क्लियर है, मेन इक्वेशन सेट करना है, सॉल्यूशन बहुत ही आसान आपको देखने को मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट आपने समझा कि नहीं समझा, एक घंटा में x किलोमीटर तो 7 घंटा में 7x, एक घंटा में y किलोमीटर तो 7 घंटा में 7y। तो हमारा इक्वेशन जो बनेगा 7x माइनस 7y डेट इक्वल टू 70, क्योंकि यहां पे सेम डायरेक्शन चला। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बट इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स इच अदर, मतलब ए इधर चलता है और बी इधर चलता है, दोनों एक दूसरे की तरफ। तो जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलता है तो आपको क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आफ्टर 1 आवर दे मीट इन 1 आवर, मतलब एक घंटा के बाद दोनों मिल जाता है। चलना डिस्टेंस तो उसको 70 ही, तो जरा सोचिए, ये इधर जाएगा तो एक घंटा में x किलोमीटर जाएगा, और ये इधर आएगा तो एक घंटा में कितना जाएगा, y किलोमीटर ही तो जाएगा। और इस दोनों को मिलाकर कितना जाना है, x और y मिलकर टोटल कितना ट्रेवल करेगा, 70 ही तो जाना है। हाँ, एक का स्पीड ज्यादा है, एक का स्पीड कम होगा, लेकिन दोनों मिलाकर तो 70 जाना है। ये इधर एक घंटा में x और ये इधर एक घंटा में y, तो दोनों मिलाकर 70। तो x प्लस y इक्वल 70, इक्वेशन 2। अब यहां पर इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, आइए सॉल्व करते हैं। तो x प्लस y इक्वल, सॉरी, x माइनस y, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस y इक्वल 10, एंड सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस y इक्वल 70। आप सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस कर रहे हैं तो 2x इक्वल क्या हुआ, 70 10 80, देयरफॉर x इक्वल आपका क्या होगा, 40। x का वैल्यू आ गया, अब हमें फाइंड करना है y का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस y इक्वल 10, और x का वैल्यू मेरे को 40 आया, तो 40 माइनस y इक्वल 10, देयरफॉर y इक्वल क्या हो जाएगा, 40 माइनस 10 यानी 30। यानी कहने का सेंस क्या है कि x का वैल्यू 40 आया, y का वैल्यू 30 आया, मतलब स्पीड ऑफ कार ए जो हो जाएगा, जो स्पीड ऑफ कार ए आपका हो गया 40 किलोमीटर पर आर, क्योंकि x हम किसको माने थे, ए पर जो कार था, और ये किसको माने थे, बी पर जो कार था, और यहां पे स्पीड ऑफ कार बी क्या माने थे, y, जो क्या आ गया क्या, 30 किलोमीटर पर आवर। और इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। तो चलते हैं एक और छोटा क्वेश्चन देखते हैं, वो भी आपका क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आपका होगा अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम कॉन्सेप्ट पे। तो चलिए बोर्ड को इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि आपको मैं डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम पे बेस्ट क्वेश्चन दूंगा, लेकिन सोचा मैंने यूं कि वो वैसे क्वेश्चंस को बताने के लिए सबसे पहले हमें उसके कॉन्सेप्ट को बताना होगा, फिर उसके बाद जब क्वेश्चन बताएंगे तब आपको समझ में, क्योंकि वीडियो का लेंथ भी जब ज़्यादा हो जाए तो आपको प्रॉब्लम होता है, मैं जैसा कि मैं जानता हूँ, इसलिए छोटा वीडियो ही रहे, ज़्यादा बेहतर रहे और आपको समझ में आ जाए। उस वीडियो के लिए पार्टिकुलरली मैं एक अलग से वीडियो कल बना दूंगा, कल पक्का वादा रहा, अप एस्टीम एंड डाउन एस्टीम पे बेस्ट क्वेश्चन। अभी जो आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, दरअसल ये क्वेश्चन आपके ठीक पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। मैं अभी क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको मैं ये इसका मैं सॉल्यूशन नहीं करने जा रहा, इसका सॉल्यूशन आप करोगे और बताओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरा इंतजार रहेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्लेसेस ए एंड बी आर 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 8 आवर्स, एंड इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 1 आवर एंड 20 मिनट्स, फाइंड द स्पीड्स ऑफ द कार्स। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और आप देख सकते हो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है
कॉन्सेप्ट है ठीक इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट पे ही है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाईवे पर दो पार्ट है, दो कार है, ए और बी, दोनों सेम डायरेक्शन में आता है तो एट आर से मिल जाता है, सेम टाइम में चलना स्टार्ट किया, और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, एक दूसरे की तरफ चलता है, तो पता चलता है क्या मेरे को, 1 hour and 20 minutes। एक बात मैं बताना चाहूंगा, 1 hour 20 minutes का मतलब हुआ क्या, 1 + 20/60। 1 hour और 20 minutes को मैंने 60 minutes कन्वर्ट, सॉरी आवर में कन्वर्ट कर दिया, तो 23 जा तो क्या आया, 1 + 1/3 एलसीएम लोगे आएगा क्या, 4/3 hours। ये आपका आवर्स में टाइम हो गया, बातें समझ में आई, तो आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मतलब सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि एक दोनों कार का स्पीड क्या होगा। तो उम्मीद है बातें समझ में आई, समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ, और जैसा कि आप जानते हो कल का हमारा जो क्वेश्चन होगा वो अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।